स्टूडेंट दिस इज अनुपम गंभीर, यू आर वॉचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम द रैट ट्रैप स्टोरी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि रैट ट्रैप की मीनिंग होती है स्टूडेंट चूहेदानी, और रैट ट्रैप सेलर की ये स्टोरी है। ये रैट ट्रैप सेलर बहुत ही ज़्यादा पुअर है और सिर्फ चूहेदानियाँ बेच के उसका गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए वो थोड़ी बहुत चोरियाँ भी करता है और बैगिंग भी करता है, यानी भीख भी मांगने का काम करता है थोड़ा बहुत। अब इसके पास कोई रात को रुकने के लिए शेल्टर भी नहीं होता, कभी कहीं कभी कहीं रुकता है। और एक बार ये ओल्ड क्राफ्टर के घर जाता है। ओल्ड क्राफ्टर किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो कि एक छोटा सा फार्मर कोई लैंड लेके, किसी की रेंट पे लैंड लेके और उस पर काम करता है, उसे क्राफ्टर कहते हैं और वो ओल्ड होता है। तो एक बार ये शेल्टर के लिए उनका दरवाज़ा नॉक करता है ओल्ड क्राफ्टर का, तो वो वहाँ पे उसको शेल्टर मिल जाती है। अब रात को वो वहीं पे रुकता है क्राफ्टर के घर, और ओल्ड क्राफ्टर उसके लिए पॉरेज तैयार करता है और उसको सिगार भी उसके साथ शेयर करता है, रहने के लिए जगह भी देता है। इसके साथ ही साथ स्टूडेंट को उसके साथ सीक्रेट भी अपने शेयर कर लेता है कि मैं पहले तो ओल्ड क्राफ्टर का काम करता था, यानी कि छोटी मोटी फार्मिंग करता था, लेकिन आजकल मैं मेरे पास एक काऊ है और जिसका दूध बेच के मुझे 30 क्रोनर स्वीडन करेंसी की बात करता है कि पेमेंट के रूप में मुझे 30 क्रोनर भी प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट हम कवर कर चुके थे फर्स्ट पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट से पेज नंबर 33 लास्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. स्टूडेंट ओल्ड क्राफ्टर को लगता है कि शायद इसे, यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर है, स्ट्रेंजर है उसके घर में, उसको ऐसा लगता है कि इसको विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे पास 30 क्रोनर है या मुझे काऊ का दूध बेच के 30 क्रोनर की प्राप्ति हुई है। इसलिए वो एक अपने विंडो फ्रेम के पास जाता है और वहाँ पे एक नेल लगा होता है, नेल यानी कि कील होता है, उस पे एक पाउच टंगा होता है, लेदर का छोटा सा पर्स या पाउच टंगा होता है, और उसमें से वो 30 क्रोनर निकालता है और उसको उसका बिल्स दिखाता है। दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ हिज गेस्ट नोडिंग नोइंगली एंड देन स्टफ देम बैक इनटू द पाउच। उसको दिखाता है रैट ट्रैप सेलर को, और उस पाउच को जब वो दिखाता है तो वो नॉडिंग करता है, यानी कि शेकिंग हेड, अपना सर ऐसे करके हिला देता है कि हाँ चलो ठीक है, और उसके बाद फिर से वो वापस वही जो पाउच है उसको उसी जगह पे, उसी विंडो के फ्रेम पे जो कील लगा होता है उस पर हैंग कर देता है। द नेक्स्ट बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन, और अगली सुबह, गुड सीजन मतलब ठीक टाइम पे दोनों जने उठ जाते हैं। द क्राफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ, क्राफ्टर को अपने काउ का मिल्क निकालने की जल्दी रहती है, एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। और जो रैट ट्रैप सेलर होता है जो उनके घर रुका होता है रात को, उसको भी लगता है कि ये जो हाउस का ऑनर है ये तो उठ गया है, अब मेरा भी ज्यादा देर तक बेड पे रहना अच्छा ना होगा, इसलिए वो भी उठ जाता है, अर्थात दोनों जने टाइम से उठ जाते हैं। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, और एक ही समय पे कॉटेज से निकल जाते हैं अपने अपने काम के लिए। द क्राफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, जो ओल्ड क्राफ्टर होता है वो डोर को लॉक करता है और अपनी पॉकेट के अंदर की को रख लेता है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे। मैन विद द रैट ट्रैप, यानी कि जो रैट ट्रैप सेलर होता है वो थैंक यू बोलता है, किसे बोलता है ओल्ड क्राफ्टर को। क्यों बोलता है, क्योंकि रात भर वो उनके घर रहा और उसके साथ उन्होंने कार्ड्स का गेम भी खेला ओल्ड क्राफ्टर ने, और उसके साथ बातें भी की और उनको खाने के लिए पॉरेज भी सर्व किया, तो इसीलिए उनको थैंक यू कहता है और दोनों जने अपने अपने वे के लिए निकल पड़ते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, और आधे घंटे बाद फिर वो पैडलर मतलब वही जो सेलर था रैट ट्रैप सेलर, आधे घंटे बाद उसी कॉटेज पर वो वापस आता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हावर, और वो दरवाजे से जाने की कोशिश नहीं करता है। ही ओनली वेंट अप टू द विंडो स्मैश्ड ए पेन स्टक इन हिज हैंड, वो अपने हाथ से विंडो का जो पेन होता है, शीशा होता है, उसको तोड़ देता है, स्मैश्ड मतलब जोर से उस पर धक्का मार के उसको तोड़ देता है, ठोकर लगाकर, एंड गॉट होल्ड
ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और वो जो पाउच टंगा होता है विंडो के अंदर से हाथ डालकर वो उस पाउच को निकाल लेता है। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओन पॉकेट, और अपनी पॉकेट में वो मनी को रख लेता है। देन ही हैंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इट इन प्लेस एंड वेंट अवे, और बहुत ही सावधानी से उसे अपने प्लेस पे टांग देता है वापस से उस खाली पाउच को, क्योंकि मनी तो उसने अपनी पॉकेट में रख ली, और वहां से चला जाता है। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज मास्टरनेस। जब वो अपनी पॉकेट में रखे हुए पैसों के साथ वहां से चला जाता है तो वो क्या सोचता जाता है कि मैंने तो बहुत स्मार्टनेस काम किया, और बहुत खुश होता जाता है मतलब अपनी इस काबिलियत पे कि जो उसने पैसे चुराए हैं उस पर बहुत खुश होता है। ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। तो वो क्या सोचता है कि अब मैं पब्लिक हाईवे से नहीं जाऊँगा क्योंकि शायद पुलिस या कोई मुझे पकड़ ना ले, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। और वो किस तरफ मुड़ जाता है, जिधर वुड्स होता है यानी कि जंगल के रास्ते से वो जाने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, और शुरू के आवर्स में तो उसको कोई परेशानी नहीं होती, लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे ही दिन होता जाता है तो उसको बड़ी डिफिकल्टीज होती हैं। फॉर इट वॉज ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर कन्फ्यूज हो जाता है और उसी में घूम घूमता रह जाता है। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन द डेफिनेट डायरेक्शन, वो तो बहुत कोशिश करता है कि मैं सही डायरेक्शन पे चलूं, बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन जो रास्ता है वो बहुत ही स्ट्रेंजर लगता है उसको, ट्विस्ट होता है यानी कि बार बार वापस से घूम के वो वहीं आ जाता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, वो सोचता है कि मैं चलता जाऊंगा ये जंगल खत्म हो जाएगा, एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और फाइनली वो क्या रियलाइज करता है कि वापस से वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से वो सोचता है कि यहाँ से जाकर अब मैं निकल जाऊंगा। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप, अब उसे वही अपने थॉट्स जो वो सोच रहा था पहले कि एक बार चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो क्या विचार करता है कि ये जो दुनिया है पूरी रैट ट्रैप है यानी कि एक चूहेदानी की तरह है। नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब वो सोच रहा है कि अब तो मेरा ही टर्न आ गया है और अब मैं एक चूहे की तरह इस दुनिया में फंस चुका हूँ, अर्थात रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय ए बेट एंड हैड बीन कॉट, वो सोचता है उसी प्रकार जिस प्रकार चूहा बेवकूफ बन जाता है और ये मीट या किसी टुकड़े की लालच में आकर अपने आप को एक जाल में फंसा लेता है, उसी प्रकार से मैं भी आज मूर्ख बन गया हूँ और दुनिया के जाल में अर्थात रैट ट्रैप में फंस गया हूँ। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक एंड ब्रांचेज इट इन थिकेट्स एंड फॉलन लॉग्स, जो पूरा फॉरेस्ट होता है उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बहुत ही थिकेस्ट यानी कि बहुत ही घनी घनी होती हैं और बहुत ही घना जंगल होता है। क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्राइजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, अब वो सोचता है ये इस प्रकार की जेल है जिससे निकलना इम्पेनेट्रेबल की मीनिंग होती है स्टूडेंट इम्पॉसिबल टू पास थ्रू, यानी कि जिससे निकलना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। Now we come on page number 35. It was late in December. Darkness was already descending over the forest. अब जो रेड ट्रैप चैलर है वो बता रहा है कि दिसंबर का मंथ था, और जो दिसंबर के मंथ में क्या होता है विंटर सीजन में जल्दी जल्दी अंधेरा होने लगता है, और वो कह रहा है कि फॉरेस्ट में डार्कनेस छाती जा रही थी। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और खतरा बढ़ता जा रहा था, एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। ग्लूम की मीनिंग होती है स्टूडेंट सैडनेस, और डिस्पेयर की मीनिंग होती है डिसअपॉइंट या होपलेस, तो या होपलेसनेस। तो क्या होता है कि जब डार्कनेस होती जा रही है, खतरा भी उसको बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो बहुत ही ग्लूम यानी कि सैड हो जाता है और बहुत ही होपलेसनेस हो जाता है। फाइनली ही सा नो वे आउट, और फाइनली उसको लगता है कि अब तो बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर ही लेट जाता है। टायर्ड टू डेथ, अब उसको लगता है कि अब तो मेरी मौत ही निश्चित है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और वो ये सोचता है कि अब तो मेरा जीवन का लास्ट मोमेंट आ गया है यानी कि मेरी मौत फाइनली निश्चित है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड, पर जैसे ही वो अपना सर जो है कि जमीन पर रखता है, लेटता है यानी, ही हर्ड ए साउंड, वो एक आवाज़ सुनता है, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। थम्पिंग यानी कि जब एक लोहे के किसी
टुकड़े को या लोहे को किसी हामर से बहुत जोर जोर से कूटा जाता है उसको फ्लैट करने के लिए, तो उसे थंपिंग कहते हैं। तो उसे अचानक से थंपिंग करने की आवाज सुनाई देती है। देयर वॉज नो डाउट एज टू वट दैट वॉज, सोचता है कि कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, अर्थात यहाँ पे कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आवाज आ रही है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, अपने आप को वो उठाता है यानी कि खड़ा होता है। दोज आर द हार्मर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, और वो सोचता है कि यहाँ पे जरूर आस पास कोई आयरन मिल है जहाँ से ये आवाजें आ रही हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, और आसपास वहाँ लोग भी जरूर होंगे क्योंकि जब आवाज आ रही है लोहे को पीटने की तो लोग भी जरूर होंगे। ही सम्मन ऑल हिज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब वो जितनी भी उसकी पावर होती है उसको सम्मन यानी कि कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। गॉट अप, खड़ा होता है। एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और थकी थकी सी चाल में जिधर से वो आवाज आ रही होती है उसको फॉलो करते हुए उसी डायरेक्शन में चला जाता है। द रेम्सो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्ग एगो अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल एंड फॉर्ज। अब ये रेम्सो यानी कि ये जो इसकी ऑथर है, इस चैप्टर की, इस स्टोरी की जो ऑथर है, वो बता रही हैं कि ये जो आयरन की फैक्ट्री है तो इस समय तो ये क्लोज है, लेकिन इससे पहले जब बहुत साल पहले जब ये चलती थी तो क्या होता था वहाँ पे, स्मेल्टर की मीनिंग होती है स्टूडेंट अ पीस ऑफ इक्विपमेंट फॉर मेल्टिंग मेटल, यानी कि धातु पिघलाने की जो मशीन होती है वो भी चलती थी, और रोलिंग मिल भी होती थी जिसमें रोलिंग मेटल को रोल किया जाता था। फॉर्ज यानी कि अ शॉप वेयर मेटल इज हीटेड, छोटा सा एरिया जहाँ पे मेटल को पिघलाया जाता था। तो ये सब डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कहाँ का, जो ये जो आयरन मिल है उसके आसपास का। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ द हैवी लोडेड ब्रेजेस एंड द स्कॉस स्लीड डाउन एंड कैनाल विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक। अब ये इनलैंड एक लेक का नाम है, कह रहे हैं कि समर टाइम जब होता था तो वहाँ पर एक लेक थी आयरन मिल के पास, और वहाँ से सामान ट्रांसपोर्टर के लिए इस लेक का इस्तेमाल किया जाता था, इनलैंड लेक का, और सामान को किस में भेजा जाता था बार्जेस और स्कॉजे यानी कि एक ऐसी बोट, फ्लैट बोट जिसमें सामान को रख के इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेजा जाता था। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग कारकोल एंड क्रेटर्स। तो जब विंटर टाइम होता था तो विंटर के समय ये जो लेक होती थी वो तो बर्फ जम जाती थी, उसमें पानी जम जाता था, और तब का किस चीज़ का यूज किया जाता था, रोड का यूज किया जाता था, और जो ये रोड थी वो डस्ट से पूरी तरह ब्लैक हो रखी होती थी। क्यों, कौन सी डस्ट, ये जो कोयले से निकलने वाली डस्ट थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये कब का समय था, क्रिसमस से पहले का समय, क्योंकि दिसंबर का मंथ था और लास्ट डेज थे, तो क्रिसमस से पहले के दिन के दौरान की ये बात है जब वो जंगल से उधर की तरफ जा रहा था, किधर, आयरन मिल की तरफ। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फॉर्ज नियर द फरेंस वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल। तो वहाँ पे कौन था आयरन मिल में, जब वो गया तो उसने क्या देखा कि एक ब्लैक स्मिथ है, एक लोहार बैठा हुआ है, और उसके साथ उसका एक हेल्पर है जिन्होंने फाइनेंस में किसको रखा हुआ है, आयरन को रखा हुआ है, और उसके मेल्ट होने का वे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब वो मेल्ट हो जाएगा आयरन उसके बाद उसको वो एनविल पे रखेंगे। एनविल क्या होता है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर रख के और हामर से किसको रख देते हैं, आयरन को, पिघले हुए आयरन को उस पे ऊपर रख देते हैं और हामर से बहुत जोर जोर से ठोकते हैं जिससे कि वो शीट में या फ्लैट हो जाए, शीट में कन्वर्ट हो जाए। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद एस्पिरेशन थ्रू एज वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज। पे क्या हो रहा था, एवरी नाउ एंड देन मतलब एक एक करके, कौन कौन, जो वो ब्लैक स्मिथ था और उसका हेल्पर था, एक एक करके स्टीर मतलब वो फायर के अंदर आयरन बार को रख रहे थे और एक एक करके जाके उसको घुमा घुमा के आ रहे थे जिससे कि वो चारों तरफ से अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जब वापस आते थे तो वो ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन मतलब स्वेट यानी कि पसीने से पूरी तरह भरे हुए थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही हीट होती है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा आग की गर्मी होती है जिसकी वजह से उनको पसीना आ जाता था। थ्रू एज ही वॉज द कस्टम ही वॉर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट, और उन्होंने क्या पहना होता था, एक लंबी सी शर्ट पहनी होती थी और वुडन के शूज पहने हुए होते थे जब वो उसको हिलाने जाते थे, किसको, आयरन को। द
टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज। अब उस फोर्ज में से आवाजें आ रही थी, कौन कौन सी आवाजें आ रही थी, द बिग बिलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। एक तो जो कोयले जल रहे थे उसके तड़कने की आवाज आ रही थी, और बेलोज की आवाज आ रही। बेलोज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हवा देने के काम आता है, जिसको दबाओ जोर जोर से तो उसमें से हवा निकलती है। तो वो आग की तरफ वो बेलोज को चला रहे थे, जिससे कि और ज्यादा आग तड़के और कोयले तड़के, जिसकी वजह से आयरन जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए। द फायर बॉय शॉलोड चारकोल्स इन टू द मॉस ऑफ द फर्नेस विद द ग्रेट डील ऑफ द क्लैटर। शॉवल किसे कहते हैं स्टूडेंट, खोदना या मूव कराना। और फॉर्ज क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आयरन को पिघलाया जाता है। तो वहाँ पे एक फावड़ा, जो फ्लैट फावड़ा सा होता है, उससे वो कोयले को इधर उधर मूव करा रहे थे, जिससे कि वहाँ पे जो आग है वो और तड़के और जल्दी जल्दी से कोयले से हीट निकले और जो आयरन है वो मेल्ट हो जाए। आउटसाइड रोअर्ड द वाटरफॉल एंड ए शार्प नॉर्थ विंड व्हिप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टिल्ड रूफ। स्टूडेंट एक आवाज आ रही थी बिलोव्ड की, दूसरी आवाज किसकी आ रही थी, आ रही थी जिससे वो कारकोल को हिलाया जा रहा था, मूव कराया जा रहा था। और इसके अलावा एक और आवाज आ रही थी, क्योंकि वहां पे एक वाटरफॉल था और जिससे वो जो रूफ थी, किसकी रूफ, वो आयरन मिल की जो रूफ थी वो ब्रिक टाइल की बनी हुई थी, उस पर ब्रिक लगी हुई थी और उस पर वहाँ वाटर गिरने की या रेन की गिरने की आवाजें आ रही थी। तो इन्हीं आवाज को फॉलो करते हुए जो ट्रैप ट्रैप सेलर है वो वहाँ पहुंच रहा था आयरन मिल में। इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑल दिस नॉइस दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फॉर्ज अंटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस। आवाजों के बीच में वो जो ब्लैक स्मिथ होता है, लोहार होता है, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि जो रैट ट्रैप सेलर ने दरवाजा खोला, अंदर आया और आके जब तक वो फर्नेस यानी कि आग की भट्टी के आगे आके खड़ा नहीं हो गया, उसने बिल्कुल भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ फायर। रैट ट्रैप सेलर का अंदर आना श्योरली ब्लैक स्मिथ के लिए बिल्कुल क्या था, अनयूजुअल था। क्यों था, क्योंकि अधिकतर क्या होता था विंटर के समय में, ये जो मिलके सूटी पेन्स, पेन्स का मतलब क्या होता है, विंडोज, और सूटी जो वुड और कोयले को जब पिघलाया जाता था, मिलाया जाता था, तो उसमें से पाउडरी टाइप का जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस निकल के उड़ के विंडो पर लग जाता था और वो विंडो धुंधली धुंधली हो जाती थी, और बाहर से निकलने वाले कोई जो शेल्टर प्राप्त करने वाले वैगाबॉन्ड्स होते थे तो वो उस विंडो पैन में से देख कर अंदर आ जाते थे। क्यों आ जाते थे, शेल्टर लेने के लिए। तो इसलिए उसके लिए अनयूजुअल था ब्लैक स्मिथ के लिए, इसीलिए उसने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने सोचा ये भी कोई होगा वैगाबॉन्ड की हीट पाने के लिए, शेल्टर लेने के लिए अंदर आ गया है। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर। उसने इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्लैक स्मिथ ने, उसने उसको कैजुअली लिया, बिल्कुल इग्नोर सा कर दिया, ऐसे बस जरा सा उठाया मुंह अपना देखा और इनडिफरेंटली रूप में, और समझकर इंट्रूडर यानी कि एंटर विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के वो जो अंदर आ गया था रैट ट्रैप सेलर, डिफरेंटली वे में उसको देखा और अपने काम में लग गया। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिस टाइप यूजुअली डिड। और यूजुअली क्या होता था, इस टाइप के लोग अंदर आते रहते थे और शेल्टर लेते थे, वहाँ लेटते थे, सोते थे और सुबह चले जाते थे। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसने भी सोचा ये भी वैसा ही कोई है जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है। डर्टी रैग्ड, उसने गंदे फटे पुराने से कपड़े पहने हुए हैं। एंड विद अ बंच ऑफ रैट ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसकी चेस्ट पे आगे लटक रही है, हैंग कर रही है, क्या लटक रही है, चूहेदानियाँ उसने लटका रखी अपने आगे। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब उसने परमिशन मांगी यहाँ पे रुकने की, तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने भी बिना कुछ ज़्यादा उससे बात नहीं करी और कोई उसको ज़्यादा जवाब नहीं दिया, बस नॉडेड अपना सर हिला दिया।
यानी कि बिना एक सिंगल वर्ड कहे और बिना उसको ऑनर दिए उसने उसको सर हिलाकर परमिशन दे दी रुकने की। द ट्रैम डिड नॉट से एनीथिंग ईदर, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। ब्लैक स्मिथ ने उससे कोई बात नहीं करी, तो ट्रैम्प यानी कि ये जो पैडर था, ये जो रैट सेलर था, इसने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो वैसे भी वो किसी से कम देयर नॉट टू टॉक, किसी से बात करने नहीं आया था, वो तो केवल वार्म्थ लेने आया था, यानी कि विंटर का सीजन था, उसको बहुत ही टायर्ड हो चुका था, थक चुका था जंगल में घूम घूम के, और उसको बहुत सी नींद आ रही थी, इसलिए उसने भी कोई बात नहीं कही। इन दोज डेज द रैमजो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। अब इन दिनों ये जो रैमजो मिल है, इसके जो मालिक है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। प्रोमिनेंट की मीनिंग होती है फेमस या रिच पर्सन, तो इतने बहुत ज़्यादा फेमस है, रिच पर्सन है, और उनका एम्बिशन क्या रहता है, एम क्या रहता है, मार्केट में उनकी जो मिल है वो सामान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिके, यानी कि उनका कारोबार तरक्की करे, तो इसका उनका मेन एम यही होता है। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वो दिन रात क्या करते हैं, चेक करने के लिए वहाँ पे आते रहते हैं कि जो काम हो रहा है वो ठीक से हो रहा है या नहीं। एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटी राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, और इस रात भी जब वो ही यहाँ पे किसके लिए आया, रैट ट्रैप सेलर, मतलब जब वो आके लेटता है वहाँ पे, आता है फॉर्ज के आगे, आग की भट्टी के सामने लेट जाता है, तो इंस्पेक्शन के लिए ये जो फैक्ट्री के ऑनर होते हैं वो उस रात भी आते हैं। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सा वॉज द टॉल रैगामफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स। तो जब ये इंस्पेक्शन के लिए आयरन फैक्ट्री के जो मालिक है वो आए, तो उन्होंने देखा कि ये जो फटे पुराने कपड़े में फर्नेस के सामने, यानी कि आग की भट्टी के इतने पास वो जो लेटा हुआ है, और इतना पता चल रहा है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा हीट है, क्योंकि उसके रैग्स में से, जो उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं उसमें से स्टीम बाहर आ रही है, तो उसको देख के लग रहा है कि इसको कितनी हीट लग रही होगी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। अब आयरन मास्टर ये जो मालिक थे, इन्होंने ब्लैक स्मिथ की तरह ही उसको फॉलो नहीं किया। ब्लैक स्मिथ ने क्या किया था, बिल्कुल उसको ऑनर नहीं दिया, ना उससे कोई बात की, बस ऐसे सिर हिला दिया कि चलो ठीक है रुक जाओ। लेकिन हु हैड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, आयरन स्मिथ ने कैसे देखा था उसको, एक स्ट्रेंजर की तरह, उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। बट ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लेकिन ये जो आयरन फैक्ट्री के मालिक थे वो उसके पास गए, लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, ध्यान से उसको देखा, देन टॉर ऑफ हिज स्लॉश हैड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और उसने जो अपने सिर के ऊपर जो हैट रखी हुई थी उसको हटाकर उन्हें बहुत ही ध्यान से, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक थे उन्होंने बहुत ही ध्यान से उसके फेस को देखा। बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलाफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। स्टूडेंट यहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आयरन फैक्ट्री के जो मालिक होते हैं वो उसको अपना जो रैट सेलर होता है उसको अपना पुराना दोस्त समझने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे नील्स ओलाफ, ये तुम हो, और तुमने अपना ये कैसा हाल बना रखा है, कैसे दिख रहे हो तुम। द मैन विद द रैट ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रैमजो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। ट्रैप सेलर था, इसने इस मैन को, यानी कि आयरन फैक्ट्री के जो मालिक थे, आयरन मास्टर को पहले कभी भी नहीं देखा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, यानी कि उसने अपना नाम नहीं बताया। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्विंटेंस, और वो सोचता है कि ये मुझे पुराना अपना परिचित समझ रहे हैं, एक्विंटेंस पुरानी जान पहचान वाला अगर समझ रहे हैं, तो ही माइट परहैप्स थ्रू हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, तो ये पक्का ही मुझे थोड़ी से क्रॉनर यानी कि कोई मनी मुझे जरूर दे देंगे। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए उसने उनको पूरी अपना परिचय नहीं दिया, ना अपना नाम बताया। येस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, ही सैड, और उसने कहा कि डाउन हिल का मतलब बद से बदतर, उन्होंने कहा हाँ मेरी कोई सिचुएशंस आ गई थी जिसकी वजह से मेरी ये बद से बदतर हालत हो गई है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर तो उसको अपना पुराना परिचित समझते हैं,
क्योंकि वो आर्मी में जॉब करते थे, तो वो भी सोचते हैं कि ये भी कोई रेजिमेंट है, यानी कि ये भी कोई आर्मी का सोल्जर है, और कहते हैं कि तुम्हें वहाँ से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, दैट वॉज द मिस्टेक, ये तो तुम्हारी गलती है कि तुमने रिज़ाइन कर दिया, इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन द सर्विस एट दैट टाइम, कहते हैं कि अगर उस टाइम पर मैं जॉब में होता, इट नेवर वुड हैपन्ड, तो मैं तुम्हें कभी भी रिज़ाइन नहीं करने देता। वेल नाउ ऑफकोर्स यू विल कम होम विथ मी, चलो अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तुम हमारे घर चलो, डू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प। अब इस ऑफर को जो उन्होंने ऑफर दिया आयरन मास्टर ने, इस ऑफर को सुनकर ये जो ट्रैम्प यानी कि जो रेड रेड सेलर है वो बिल्कुल भी प्लीज यानी कि खुश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने चोरी कर रखी थी, वो सोच रहा था अब मैं ये ऑफिसर के घर सोल्जर के घर जाऊंगा और तो मैं और ही फंस जाऊंगा, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इस डर से वो ये इस ऑफर को सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। इसी के साथ स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर यही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पेज नंबर 37 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।